हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक मैक टॉक्स में। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फील एमुनेशन डिपो के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें दोस्तों बहुत सारे वैकेंसी है, ठीक है, लगभग 174 सीट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है, जो ग्रेजुएशन के लिए उनके लिए भी वैकेंसी है, जो ITI की हैं उनके लिए वैकेंसी है, जो मैट्रिक की हैं उनके लिए वैकेंसी है, जो 12th की हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है, इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसके नीचे में ये फॉर्म दिया गया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को फिलअप करके ये एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आपको भेज देना है। 2500 रुपया का स्टम्प लगेगा, पोस्टल स्टम्प जो होता है उसको लगा देना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे फॉर्म को आपको भेजना है, सब कुछ आगे मैं डिस्कशन में बता देगा। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, डिप्लोमा वालों के लिए भी, मैट्रिक वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, ठीक है, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं। यदि आप चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी निकला हुआ है वो मटेरियल असिस्टेंट के लिए निकला है, टोटल 3, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 3, फायरमैन के लिए 14, और ट्रेडसमैन मेट के लिए टोटल 150, MTS के लिए जो गार्डनर जो होते हैं उनके 2, MTS मैसेंजर के लिए 1, डॉट्समैन के लिए 1, ठीक है। हम देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगेंगे। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी फॉर्म आएगा आपको ये जानना है कि ये फॉर्म को क्या हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ठीक है। क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, सब सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जानकारी देना रखना, ठीक है। दोस्तों ये जो फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया है वो जिस दिन ये पोस्ट हुआ है, ठीक है, उससे 21 दिन तक इसका लास्ट डेट रहा है, ठीक है। इसका जो इससे लास्ट डेट है वो 16/6/2022 है, लेकिन दोस्तों ये 1/6 को ही पोस्ट हुआ है, ठीक है। जैसे कि आज ही ये पोस्ट हुआ है, ठीक है, तो आप 21 दिन तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश जो हीलिंग एरिया में रह रहे हैं उनका जो 28 दिन का लास्ट डेट है, ठीक है। जैसे कि आज पोस्ट हुआ तो 28 से 28 दिन, ठीक है, रखा गया। आप 16/6 को ही मान के चलिए, ठीक है, ये है इसका लास्ट डेट। इस फॉर्म को आप ऑफलाइन मोड में ही फॉर्म को भरना है, ठीक है। आपको बता दूंगा मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका जो मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है इसमें मंगा गया, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास कोई भी डिसिप्लिन में, डिप्लोमा अगर होगा मटेरियल मैनेजमेंट में तो भी भर सकते हैं। और देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी, अगर मैकेनिकल है तभी भर सकता है, इलेक्ट्रिकल है तभी भर सकता है, ठीक है, अगर सिविल है तभी भर सकता है, कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए। डिप्लोमा भी किए हैं तो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में किए हैं तो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं तो भी भर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बोला कि डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, ये ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो स्टेज 1 में सिर्फ आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, मैं बता देगा रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या पूछेगा, ठीक है, उसमें इसका सिलेबस दिया गया है। इसमें टोटल सीट कितना है, 3 सीट है, 1 सीट जो रिजर्व है एक सर्विस मैन के लिए, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए इसमें 12 क्लास पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिटन टेस्ट है, टाइपिंग मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। अगर पहले क्या होगा आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका यह स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसमें क्वालिफाई होगा तो फाइनली आप क्वालिफाइड। ये एक जो पोस्ट है वो एक सर्विसमैन के लिए, फायरमैन के लिए टोटल दोस्तों पोस्ट है वो कितना है, 14 है। इसमें आपके लिए मांगा गया मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, हाइट भी मांगा गया है, चेस्ट भी मांगा गया, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको ये फिजिकल टेस्ट भी आपको होगा और रिटर्न होगा, बस आपका कोई वो नहीं मांगा गया है। पहले आपका क्या होगा, स्टेज 1 में आपका जो होगा फिजिकल होगा, दूसरा आपका रिटेन होगा, ठीक है। ट्रेड्समैन के लिए कितना है दोस्तों, यहाँ पर 150 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, रनिंग होगा 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में, और ये फिजिकल टेस्ट मंगा गया है। इसमें से भी कुछ वैकेंसी दिया गया है जो कि एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है दोस्तों। फ्रेशर पूरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मंगा गया, आप देखिए कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मंगा गया है। MTS गार्डनर के लिए टोटल पोस्ट है 2, इसमें सिर्फ रिटेन है, कोई बाद में कुछ नहीं है। मैट्रिकुलेशन चाहिए आपके पास, मैट्रिक पास होना चाहिए, फॉर्म को भर सकते हैं। MTS मैसेंजर वो भी भर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक रिटर्न होगा बस, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों कि डॉट्समैन के लिए दोस्तों क्या चाहिए आपके पास, क्या चाहिए। देखिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए,
टू ईयर्स का डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट सिविल कोई भी होगा तो चलेगा, वहीं इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिर्फ जो ड्रॉट्समैन है उनके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा गया, सिर्फ एक वैकेंसी है, ठीक है। लगभग कितना वैकेंसी टोटल है यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 174 है, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट की बात किया जाएगा दोस्तों, तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है, ठीक है, और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखा गया वो 25 ईयर्स रखा गया, ठीक है। अब अलग अलग जैसे कि OBC के लिए 3 ईयर्स का छूट और ST के लिए 5 ईयर्स का छूट, इस हिसाब से रखा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया दोस्तों एज लिमिट है फॉर दी पोस्ट मेटेरियल्स, इनके लिए थोड़ा कुछ अलग है, ठीक है। ये सब यहाँ पर इनके लिए 27 वर्ष रखा गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों अब फॉर्म जो है उसका दिया गया है जी, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके नीचे में फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिए ऑफलाइन मोड में, इसको आप पेन से भरिए इसको, और आप इसको सेंड का एड्रेस भी दिया गया वहाँ पर सेंड करना। तो उस पर जब आप इन्वॉल्व लेंगे उसको अच्छी तरह से चिपकाना है, इन्वॉल्व के ऊपर आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देना है, और यहाँ पर 25 रुपये का दोस्तों यहाँ पर पोस्टल स्टाम्प मांगा गया है, ठीक है। आपको बता देता है यहाँ पर 25 रुपये का दोस्तों क्या मांगा है, पोस्टल स्टाम्प मांगा है, ठीक है। ये आप जरूरी भी इस पर डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना, पहले तो फॉर्म हो गया, दूसरा आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप यदि कहीं सर्विस कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग बोलेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर डालेंगे। सबका फॉर्मेट दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों, और आपके कोई भी पोस्ट से इसको भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कहीं से भी आप भर सकते हैं, ठीक है, जो आपको इच्छा करे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका सिलेबस जानते हैं, जो पहला स्टेज जो एग्ज़ाम होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस, जो कि रीजनिंग होगा 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल इंग्लिश 50 और जनरल अवेयरनेस 50। टोटल क्वेश्चन कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछेगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों जी। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होगा वो भी मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जैसे जैसे जिसका है उस हिसाब से होगा, ठीक है, क्वेश्चन लेवल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप कोई टेंशन नहीं लेना, आप फॉर्म को भर दीजिए, ये सबको, ये तो सभी एग्जाम में आता है, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो अभी पूछेगा, तो अभी बाकी भर दीजिए, बहुत ही अच्छा ऑफलाइन मोड में है, ठीक है दोस्तों। हम बताते हैं, देखिए आप देखिए फॉर्म ये हुआ है, इसको आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड करिए, फोटो चुकाइए, फॉर्म कर दिए दो, तो ये वाला एड्रेस है, ठीक है, इस एड्रेस को इस पते पर आपको भेजना है, ठीक है दोस्तों। अब ठीक है, आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्म को भर दीजिए, बस आप फॉर्म को भरना और कुछ नहीं, सबको देखिए जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उस फॉर्म को भेज दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।